सागर जिले के दक्षिण वन मंडल गौड़झामर रेंज में लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके तहत सोमवार को मुखबिर की सूचना पर उप वन मंडल अधिकारी देवरी के निर्देशन में गौड़झामर रेंजर सुमन परमार द्वारा अपनी टीम और देवरी केसली टीम के साथ ग्राम खावरी में दो जगह छापामार कार्रवाई की गई। यहां लंबे समय से लकड़ी का अवैध कारोबार चल रहा था। इधर से राजकुमार और परशु के घर से 102 नग बना फर्नीचर, जिसमें पलंग, चौखट, दरवाजे और गीली लकड़ी के लट्ठे, लगभग 0.655 घन मीटर लकड़ी और फर्नीचर बनाने के औजार जब्त किए हैं। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। अब ये तो ऐसा है, जब मालूम पड़ गया तो अब वैसे तो घूमते ही रहते हैं रोज, मतलब घूम रहे जंगल में। अब नहीं मालूम पड़ पाता तो नहीं हो पाता है, मालूम पड़ा तो पकड़ लाए। हमने ग्राम थावरी, मतलब जो थावरी गांव है, वहां से जब्ती की है। कुल 102 नग जब्त की है हमने। इसकी कीमत लगभग 26,770 आंकी गई है। ये मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोग, हमारी टीम के साथ गए और कार्रवाई की हम लोग। इसमें हमारी देवरी की टीम थी, गौड़झामर टीम और SAF के जो लोग हैं उनके साथ हम लोगों ने किया।